हेलो फ्रेंड्स, AKPK किचन में आपका स्वागत है। और आज देखिए, हमने ये लीसियस के रेडी टू कुक चिकन सुप्रीम मंगाए हुए हैं, क्रिस्पी चिकन सुप्रीम। और ये दोनों पैक मुझे 250-250 ग्राम के हैं और ये मुझे लगभग 300 रुपीज़ के पड़े हैं। और अभी हम इनको आपको दिखाते हैं ये किस टाइप से दिखते हैं। ये देखिए, ये पूरा कोटेड है ब्रेड क्रम्स में। ये देखिए, आपको एक एक पीस निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, इस टाइप से ये प्रॉपर कवर्ड रहते हैं ब्रेड क्रम से। और इसमें 250 ग्राम्स के आसपास होता है, 5 to 6 पीसेस निकलते हैं। अब देखिए, मैं दूसरा बॉक्स भी खोल के दिखाता हूँ इसमें। ये देखिए, इसमें यूज बाई डेट, सीरियल नंबर, नेम, कितना ग्राम है, ये सारा कुछ डिटेल मेंशन होता है। ये देखिए, कितने अच्छे से पैक करके दिया हुआ है हमें। अभी हम इनको डीप फ्राई करते हैं ऑयल के अंदर में, फिर हम आपको दिखाते हैं ये बनके कैसे रेडी होते हैं और फ्राई करते हुए भी आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई में सरसों का तेल ले लिया है। वैसे तो आप इसे रिफाइंड ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, बट मुझे रिफाइंड ऑयल अच्छा नहीं लगता टेस्ट में, इस वजह से मैं इसको सरसों के तेल में फ्राई कर रहा हूँ। और ये देखिए, मैं अभी केवल एक बॉक्स को ही फ्राई करने जा रहा हूँ, तो इसमें लगभग देखिए 6 पीसेस हमारे निकले क्रिस्पी चिकन सुप्रीम के। तो अभी हम इनको फ्राई करते हैं एक एक करके, फिर आपको दिखाते हैं। तो एक बार में सारे पीसेस को ना डालें, जिससे ऑयल का टेम्परेचर एकदम से नीचे चला जाएगा और हमारे ये जो चिकन पीसेस हैं वो अच्छे से कुक नहीं हो पाएंगे। ये देखिए, अभी हमने 3 पीसेस को डाल दिया इसमें और इनको अच्छे से लगभग 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद इनको पलट के 2-3 मिनट और फ्राई करेंगे, तो लगभग ये 8 मिनट में रेडी हो जाते हैं। अभी जैसे ये फ्राई हो जाते हैं, वैसे ही मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखिए, हल्के हल्के ब्राउन होने लग गए, तो हम इनको पलट देते हैं जिससे ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो सके। जैसे ये 3 फ्राई हो जाएंगे, वैसे हम बचे हुए 3 पीसेस को भी इसमें ऑयल में डाल के फ्राई कर लेंगे। और जैसे ये फ्राई हो जाएंगे, हम आपको दिखाते हैं ये कैसे बनके रेडी होते हैं। अब ये देखिए, हमारे तीनों पीसेस जो हैं अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए, एकदम डार्क हो चुके हैं और क्रिस्पी भी। तो इनको अभी हम टिश्यू पेपर्स पे निकाल लेते हैं और बचे हुए 3 पीसेस को भी फ्राई कर लेते हैं। और इसमें काफी सारे ब्रेड क्रम्स जो हैं ऑयल में ही निकल जाते हैं, तो इसको आप निकाल के बाद में ऑयल को रीयूज भी कर सकते हैं। ये देखिए, हमने बचे हुए 3 पीसेस को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है, तो टोटल 6 पीसेस जो इसमें आए थे वो हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए, ये कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम क्रिस्पी। और इनका जो टेस्ट है बिल्कुल KFC चिकन जैसा आता है, तो आप इनको मंगा के जरूर ट्राई करें। और ऐसे ही मैंने लीसियस के क्रिस्पी चिकन विंग्स की भी वीडियो बना रखी है, अगर आपको वो देखनी है तो आप नॉन वेज सेक्शन में जाके उसको देख सकते हैं। थैंक यू।